नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत हुआ। इसके अलावा पीएम मोदी से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और संसद से निष्कासित सांसद राहुल गांधी भी अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे। हालांकि राहुल गांधी का अमेरिका दौरा विवादों में रहा था, क्योंकि राहुल गांधी के तमाम ऐसे बयान आए थे जिसे मोदी विरोधी के साथ साथ देश विरोधी भी बीजेपी ने बता दिया था। वहीं अब राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और एक तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने तमाम सवाल किए हैं। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे के दौरान जिस सुनीता विश्वनाथ नामक महिला से मिल रहे हैं, वो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है। इस महिला से राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे, इसका खुलासा सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। जॉर्ज सोरोस भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को हटाना चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी के साथ अमेरिका में बैठक की है? मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ, जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली, इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की? तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की इन तस्वीरों को दिखाने के साथ ही तमाम सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है। ऐसे में उसकी एक सहयोगी के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की तो स्मृति ईरानी ने उन पर गुस्सा जाहिर करते हुए तमाम सवाल किए हैं। बहरहाल, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी तमाम सवाल कर रही हैं, देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या कुछ सफाई पेश करती है। फिलहाल स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को लेकर जो तस्वीरें दिखाई हैं और इसके साथ उन्होंने जो कुछ भी कहा है, वो सुनिए आप। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ, जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली, इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की? पब्लिक डोमेन में, इंटरनेट पर ये जानकारी भी उपलब्ध है कि श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में
रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के श्री अंसारी उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। ऐसा क्यों है कि पब्लिक डोमेन में जिनका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है उनका सहारा लेने की कांग्रेस पार्टी को नौबत आ पड़ी।